मटर पनीर तो आपने बहुत खाई होगी, पर अभी मटर पनीर हम बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, तो घर पे ही मैं आपको बताती हूँ रेस्टोरेंट, ढाबे और शादियों में मिलने वाले चटपटे मटर पनीर की पूरी रेसिपी। इसमें जो डलने वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी मसालों को जैसा मैंने ऐड किया वैसे ही करिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदमुंडे का। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ ली है मैंने एक कढ़ाई, इसमें मैंने लिया है हल्का सा ऑयल, मीन्स 1 टीस्पून लगभग, और यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा, ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है। अब ये ज़ीरा जाएगा और ये देखिए ज़ीरा भुनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 इलायची, हरी इलायची जो छोटी वाली होती है, उसे हाथ से तोड़ के ही आप ऐड कर दीजिएगा। अब ऐड कर देंगे हम इसमें लौंग है, सिर्फ 2 लौंग ही यूज़ करिएगा, और हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे। लगभग हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन, जो मैंने पहले से चॉप करके अदरक को और लहसुन को छील के रखा है धोकर, वो ऐड कर दूंगी, और एक चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च, जो एक बड़ी हरी मिर्च थी वो, और प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, उन्हें काट के धोकर ऐड करके अब अच्छे से हम इन्हें भूंज लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का ही भूजना है आपको, और इसमें लगभग 4 से 5 चॉप्ड किए हुए टमाटर, और ये अब इसे अच्छे से हम मिक्स करके भूंज लेंगे। तो इसे ज़्यादा हमें गलाना नहीं है। ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, जो बहुत ही मोस्ट है मटर पनीर के लिए, पनीर की सब्ज़ी के लिए, और काजू और बादाम, काजू बादाम, और ये सब मसाले आपको आपके माने पनीर और मटर के हिसाब से लेना है, और ये चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया, और इसे बढ़िया सा हम चला के मिक्स करके भूज लेंगे। बस आपको इसी लेवल तक ही पकाना है, और ये देखिए हल्के हल्के से पक जाने के बाद इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। बस गैस को बंद कर दीजिएगा। यहाँ मैंने उसी कढ़ाई पे लिया है ऑयल 2 बड़े चम्मच, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच घी। आप घी की जगह मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अब ये मेल्ट हो गया है, लगभग ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते, 2 खड़ी मिर्च, और लाल खड़ी मिर्च है, और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। पहले डाल लेंगे हम इसमें हींग, बहुत ज़रूरी है हींग डाइजेशन के लिए, और रेडी किया हुआ पेस्ट, ये वही रेडी किया हुआ पेस्ट है जस्ट जो हमने अभी बनाया था। अब इन्हें हम अच्छे से भूंज लेंगे। अच्छे से आपको तेल छोड़ने तक पूरे मसालों को भूजना है। वैसे ये ऑलरेडी हल्का पक चुका था पहले ही, हमें हल्का सा और पकाना है। और इसमें ये देखिए अब हम इसे पहले 2 मिनट ढक कर पका लेंगे। 2 मिनट के लिए लगभग आपको पकाना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मेरा ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे मसाले हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया हल्दी ऐड किया है, और धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाऊंगी, और यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर जो बहुत थोड़ा सा लिया है 1/4 टीस्पून, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसालों के साथ अच्छे से हम तेल छूटने तक पका लेंगे। तो ये देखिए इसे हमें जब तक पकाना है तब तक ये तेल ना छोड़े। पहले हम इसमें मिला लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लगभग मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मंगाया, मिलाना है। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा धनिया मिला के, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम पहले 1-2 मसाले हैं वो भी ऐड कर देते हैं, फिर हम इसे ढककर पका लेंगे। ये देखिए मसाले पकना स्टार्ट हो गए हैं। मसालों में अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो गर्म पानी ही लीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप काजू या
बादाम पे जो हम पहले भी डाल चुके हैं, अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए इसे अच्छे से हमने चला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब ये हो चुका है लगभग मसाला रेडी। अब इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मसालों में हल्का हल्का तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें डाल देते हैं। मसाले मैंने लिया है पाव भाजी, जो बहुत ही अच्छा स्वाद देती है, और यहाँ पर मैंने लिया है बॉयल मटर, हल्का सा मैंने इसे बॉयल कर लिया था, और ये इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे ताकि मटर में पूरे मसाले और नमक अच्छे से चले जाए। 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए लगभग पूरे मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है, वाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे पनीर मसाले। ये पनीर मसाला गया 1 चम्मच, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें क्रश करके कद्दूकस करके पनीर ऐड कर दूंगी। कद्दूकस करके पहले थोड़ा सा पनीर ऐड करना है, फिर बाद में हम थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर देंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें हम मैंने जो पनीर के क्यूब्स लिए हैं काट के रखे थे वो ऐड कर दूँगी। अब हमें इसे हल्का हल्का चलाएंगे क्योंकि पनीर बहुत ताजे हैं, अदरवाइज़ ये नहीं तो पूरे टूट के उसी में मिक्स हो जाएंगे मसालों में। तो ये देखिए अब हमें बस इतना ही चलाना है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत इम्पॉर्टेंट है पनीर की सब्ज़ी में, तो इसे इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया, हरा धनिया बीच बीच में भी मैंने ऐड करता रहा है क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद आता है हरा धनिया का। और यहाँ पर मैंने बाकी बचा हुआ क्रश करके पनीर डाल दिया है, और ये ढक दूँगी मैं इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए। और इसे देखिए ये पक चुका है। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्के हल्के मिक्स करना है आपको। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी अदर वीडियो भी दे दी है, अगर वहाँ पर आप मेरी जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन पे। तो ये मेरी मटर पनीर की सब्जी रेडी है। इसे नान के साथ, चावल के साथ, जीरा फ्राई, तंदूरी रोटी या सिंपल रोटी या थेपले के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।